मेरा नाम मंगल प्रसाद साहू है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ। लास्ट 7 ईयर से मेरा जो हेयर लॉस है वो ज़्यादा हो गया है। थोड़ा हेयर लॉस के कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम लगता है। मेरे पिताजी को भी हेयर लॉस था। मैं रिसेंटली लास्ट 7 ईयर्स के पहले मैं अपना मकान चेंज किया हूँ, तो वहाँ का पानी का भी कुछ असर हो सकता है। YouTube में मैंने काफ़ी सर्च किया है, इवन यहाँ तक कि हमारे नियरेस्ट सिटी है रायपुर, वहाँ का भी देखा YouTube में, दिल्ली का भी देखा हूँ मैं YouTube में। तो फिर मैं QST का काफ़ी वीडियो मैं देखा है ना, बहुत काफ़ी दिन तक देखा मैं इसको, तो पता चला कि टेक्निक बहुत लेटेस्ट है। QST का टेक्निक जो है बहुत लेटेस्ट है। मेरे दोस्त तो यहाँ तक बोला कि मुझे पता नहीं चला कि मेरे को तकलीफ़ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं पता चला मेरे को ऐसा करके। वो बहुत जल्दी रिगेन हो गया था वो। मैं भी एक्साइटेड हो गया, मैं भी करा के देखता हूँ, QST में तो जा ही सकता हूँ। तो इसके पहले मैं हेयर लॉस रोकने के लिए कोई मेडिसिन का उपयोग नहीं किया है। मैं सिंपल अचानक वो दोस्त मिला तो जो बात हुआ, तो फिर उसके बाद फिर मैं भी अभी लेके मैं बहुत एक्साइटेड रहा। अभी तो डॉक्टर से मिला नहीं हूँ, डॉक्टर जब मिलेंगे तो बताएंगे कि एक्चुअली में कितना ग्राफ लगेगा। मैं तो सोच रहा था कि आज ही ऑपरेशन करा लूँ ऐसा करके, इतना एक्साइटेड हूँ। लेकिन बोले कि सर्टेन कुछ स्टेप्स हैं जो करना होता है और कुछ टेस्ट होता है जिसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, इसलिए थोड़ा सा आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्राइमरी कल के लिए मैं रेडी कर दिया जाऊँगा। शायद हो सकता है कल मेरा सर्जरी हो, और बाकी जो होगा सर्जरी के बाद भी बताऊंगा मैं आपको। मिलते हैं सर्जरी के बाद। कल इवनिंग में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर थॉरली चेक किया हमारा और हमारा मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी अच्छे से। उसके बाद जब संतुष्ट हो गए कि सब दृष्टिकोण से, फिर हमारा फिर जब प्रोसेस चालू हुआ, स्लेटिंग हुआ, उसके बाद आज का डेट दिया था ऑपरेटिंग के प्रोसेस का। तो ऑपरेशन थिएटर तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और पूरा स्टाफ बहुत ही एक्टिव, पेनलेस प्रोसेस रहा है मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। और हाई डिग्री ऑफ हाइजीन मेंटेन किया गया है OT के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा हमको। हमको जरा सा तकलीफ हुआ, थोड़ा सा कभी भी होता था तो हम तुरंत बताते थे, तुरंत रोक प्रोसेस को रोकते थे, फिर आगे बढ़ते थे वो लोग। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, और अब जो भी जैसा है अभी तो एक बार है बात पता चलेगा, बट मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो QST के बारे में सुना था वो एकदम मैं दृष्टिकोण से सही है, बहुत हाई डिग्री ऑफ हाइजीनिक है इस हॉस्पिटल में, और बहुत ही अच्छे स्टाफ हैं, कोऑपरेटिव है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस जो है QST टेक्निक से हुआ है, बहुत ही बढ़िया, मतलब स्टेप बाय स्टेप केयर रह किए वो लोग मेरा। और वैसे तो मेरा 5000 ड्रॉप था, तो लगभग 2 दिन चला मेरा ट्रांसप्लांटेशन जो है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। सेकंड डे जब वो कैरी हुआ तो वहीं से भी उसी तरीके से मतलब हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते हुए मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया। और जब भी कुछ परेशानी होता था मैं पूछता था, तो वो लोग रुक के बात करते थे मेरे से, बताते थे, क्लेरिफाई करते थे मैं डाउट का। और अभी मुझे हल्का सा पेन है, बाकी ऐसा कुछ तो वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो फ्रेंड्स, मैं आज मेरा सेकंड डे था ट्रीटमेंट का, मैं तो 8 बजे आ गया था, और उसके बाद 2 घंटा में मेरा ऑपरेशन हो गया, पूरा हो गया। फिर मुझे कुछ गाइडलाइंस दिया गया कि कैसे आपको मेंटेन करके रखना है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जिसको भी कराना होगा तो कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्शंस है, बट QST में एक बार आके जरूर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि QST का जो सर्टिफिकेशन है ISO का है ना, वो बिल्कुल सूट करता है उनको, उनके लाइक स्टैंडर्ड है उनका ऐसा का। तो थैंक्स QST टीम, QST को मैं धन्यवाद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।